नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री सेक्शन में। दोस्तों हम देखिए चैप्टर 10 हमारा एंशियंट इंडिया का पढ़ रहे थे, जिसका नाम था गुप्त वंश, वाकाटक वंश और वर्धन वंश। इसमें हमने गुप्त वंश को पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें हम वर्धन वंश को पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पैड ग्रुप है, जो कि यूपी पीसीएस मेन्स 2017 जो मार्च में होने वाला है, उसको लेकर बनाया गया है हिस्ट्री ऑप्शनल को फोकस में रखते हुए। उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको वीडियो का जितना भी पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी जो फी है वो 2000 रुपीज रखी गई है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें जाकर आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो था गुप्त वंश, वाकाटक एवं वर्धन वंश। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब तक गुप्त वंश हमारा मौजूद था, उनका एक छत्र राज्य था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। जैसे कि हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, उसने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को अपने अंडर में लिया था, तो उत्तरापथ के 9 राज्यों को। साथ साथ उसने जो विदेशी शासक थे उनके साथ भी ग्रहण मोक्ष की नीति जो थी वो अपनाकर क्या कर लिया था, सबको अपने अंडर में ले लिया था। यानी गुप्त वंश का एक बहुत बड़ा राज्य जो है, साम्राज्य जो है, वो भारत में मौजूद था। लेकिन जैसे ही इनके उत्तराधिकारी जो निर्बल होते हैं वो आते हैं गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जब आपकी केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तब तब आपके विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो यही स्थिति हुई थी जब गुप्त वंश का पतन होना चालू हुआ था, तब एक विदेशी आक्रमण होता है जिसको कि हूण आक्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? उसको कहा जाता है हूण। ठीक है, इस हूण आक्रमण के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना होता है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसका इतना कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है और इसमें हमें इतना कुछ पढ़ना भी नहीं है। बस एक चीज याद रखिएगा कि मिहिर कुल, हूण राजाओं में मिहिर कुल का नाम महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा जाना जाता है। लेकिन ये मेंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम रहा तो मैं आपको बाद में जितने भी छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स है वो सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि हूण आक्रमण हुआ, इन हूणों को लास्टली मैंने आपको बताया भी था जब गुप्त वंश पढ़ा रहा था कि स्कंद गुप्त ने क्या किया था, हूणों को पराजित करके भारत से भगा दिया था। लेकिन उसके बाद भी छुटपुट जो आक्रमण थे वो चालू रहे हूण आक्रमणों के, हूणों के। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो जो क्षेत्रीय राज्य थे छोटे छोटे, उन्होंने भी अपनी क्या कर दी, स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इस प्रकार से उत्तर भारत में कई छोटे छोटे वंशों का स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हो गया था। अगर उसका एग्जाम्पल लें हम तो वल्लभी में आपके मैत्रक वंश, कन्नौज का मौखरी वंश, ठीक है, इसी प्रकार से आपका थानेश्वर का वर्धन वंश, ये सारे वंश जो है धीरे धीरे स्थापित हो गए थे। मगध या मालवा का उत्तर गुप्त वंश भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे राज्य थे, वापस से एक छत्र राज्य स्थापित करने में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा था वो था आपका वर्धन वंश। ठीक है, इस वर्धन वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये वाकाटक वंश भी मैं आपको बता दूं। देखिए वाकाटक वंश जो है आपका विदर्भ, इनकी जो है राजधानी थी, विदर्भ जो इलाका माना जाता है वो गुजरात महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां पे माना जाता है। ठीक है, विदर्भ में वाकाटक वंश मौजूद था। ये वाकाटक का जो है इतिहास में इतना कुछ पढ़ना हमें नहीं है मेंस के अकॉर्डिंग, बस इसमें एक चीज हमें जाननी है कि वाकाटक वंश के साथ गुप्त वंश का जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था इतिहास में उसका क्या रोल है। ठीक है, ये एक ही छोटा सा आपका क्वेश्चन बनता है, अगर टाइम रहा तो लास्ट में आपको इसको बता दिया जाएगा, अन्यथा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मैं आपको कभी भी छोटा सा एक टॉपिक है 5 मिनट का, मैं आपको समझा दूंगा, या फिर आप किसी बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस है वो वर्धन वंश पे रहेगा। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, देखिए वर्धन वंश की क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें हर्ष चरित नामक एक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो हर्ष चरित ग्रंथ है ये बाण भट्ट नामक एक दरबारी कवि ने लिखा था, जो कि वर्धन वंश का क्या था, दरबार में रहने वाला एक कवि था। ठीक, इस हर्ष चरित में शुरुआत में तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है,
देन उसने वर्धन वंश के बारे में इसमें बताया है, ठीक। तो वर्धन वंश के बारे में उसने क्या बताया है कि प्रभाकरण वर्धन नाम का एक व्यक्ति था जिसने वर्धन वंश की स्थापना की थानेश्वर में। अब ये जो थानेश्वर है ये आपके हरियाणा प्रांत में माना जाता है, ठीक है। तो थानेश्वर में प्रभाकरण वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना करी। उसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, ठीक है। और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री, ठीक। अब हुआ क्या कि प्रभाकरण वर्धन के समय आपके हूणों का आक्रमण हो जाता है, तब प्रभाकरण वर्धन अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को उन्हें क्या करता है, उन्हें भगाने के लिए या उनसे युद्ध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए भेजता है। राज्यवर्धन उनसे युद्ध करने के लिए जाता है, इसी बीच आपका जो प्रभाकरण वर्धन यानी उसके जो पिताजी है प्रभाकरण वर्धन, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। राज्यवर्धन जब हूणों से आक्रमण करके अपने साम्राज्य में वापस लौटता है तो प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु से वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से वो हताश हो जाता है और सन्यास लेने की सोच लेता है, ठीक है। वो सन्यास लेने की सोच ही रहा था, इसी बीच देखिए एक थोड़ी सी एक स्टोरी है कि प्रभाकरण वर्धन की जो पुत्री थी राज्यश्री, उसका जो विवाह था वो कन्नौज के मौखरी वंश के ग्रह वर्मा के साथ कर दिया गया था, ठीक है। तो राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, ग्रह वर्मा जो कि कन्नौज का राजा था, ठीक। अब जब प्रभाकरण वर्धन हताश होकर सन्यास लेने की सोचता है, उसी बीच उसको खबर मिलती है कि ग्रह वर्मा जो है उसकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। और आपके ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई है और राज्यश्री जो है अपना जो साम्राज्य है उसको छोड़कर सती होने के लिए जंगलों में छिप गई है या भाग गई है, ठीक है। तो राज्यवर्धन क्या करता है कि वो एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जो है जिसने भी ग्रह वर्मा की हत्या की है उसका बदला लूंगा। अब देखिए जो ग्रह वर्मा की हत्या की गई थी वो आपके मालवा के नरेश और एक बंगाल के जो गौड़ प्रांत था वहां के नरेश शशांक ने मिलकर की थी, ठीक है। तो वो प्रतिज्ञा लेता है कि भाई मैं जो पृथ्वी को है गौड़ मुक्त कर दूंगा, यानी जो शशांक है उसकी हत्या कर दूंगा। राज्यवर्धन वहां पे जाता है, उनको हरा भी देता है, लेकिन एक धोखे के तहत राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। ऐसे में आपका जो राज्यवर्धन का जो छोटा भाई था हर्षवर्धन वो गद्दी पर बैठता है, देन वो जाता है वहां पर जाकर वो शशांक को और जो मालवा नरेश था उन दोनों को हरा देता है। हराने के बाद वो अपनी बहन जो राज्यश्री थी उसको ढूंढने के लिए जंगलों में जाता है। इसी बीच कहा जाता है कि राज्यश्री जब सती हो ही रही थी, मतलब कि आग में कूदने वाली थी, तभी हर्षवर्धन वहां पर पहुंच जाता है, उसको बचाकर वापस से कन्नौज को ले आता है। और जब वो ले आता है तब इसी वक्त जो आपका हर्ष चरित है वो एकदम से समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हमें पता नहीं लगती कि आखिर उसके बाद हुआ क्या। ऐसा इतिहासकारों में मत है कि शायद इसके बात कुछ कुछ गलत घटित हुआ होगा, इसीलिए जो आपका बाण भट्ट है वो इसकी चर्चा नहीं करना चाहता था। एक दूसरा मत यह है कि इसके बाद जस्ट ऐसा लगता है कि जो बाण भट्ट था उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि कुल मिला के जो हर्ष चरित है हमें उससे यही स्टोरी मिलती है कि राज्यश्री की जो विवाह होता है वो ग्रह वर्मा के साथ होता है। ग्रह वर्मा को क्या कर दिया जाता है, गोड़ नरेश और मालवा नरेश के द्वारा हरा दिया जाता है। देन उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाता है, राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी जाती है। फिर आपका हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, वो उन दोनों को हराकर अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढने को जाता है और अंततः उसको ढूंढकर अपने वापस अपनी राजधानी को ले आता है। और इसी के साथ हमारा हर्ष चरित्र का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यह हम जानेंगे आज वर्धन वंश के बारे में। तो देखिए, और हाँ, कुल मिला के हमें इसमें जो पढ़ना है वो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना होता है। समाज के बारे में हमें इतना कुछ इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल इतना सा हमें पता लगता है कि गुप्त वंश के पतन के बाद एक छत्र राज्य स्थापित करने में वर्धन वंश का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें हर्षवर्धन को माना जाता है इंपॉर्टेंट तो मेनली। और हर्षवर्धन के बारे में जो है हमें कंपेयर करके पढ़ना होता है, इतिहास में उसे अशोक की संज्ञा दी जाती है, समुद्रगुप्त से उसकी जो है तुलना की जाती है। तो हमें ये वही चीजें पढ़नी है कि भाई हर्षगुप्त जो है क्या वो अशोक से समानता रखता है या फिर समुद्रगुप्त से समानता रखता है। मेंस में आपके अभी तक केवल यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए, उसके जो विजय के अभिलेख है उनके बारे में बताइए, क्या वो अशोक के समान था या फिर समुद्रगुप्त के समान था। ये सारी चीजें हमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़नी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्धन वंश। देखिए,
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों की सत्ता स्थापित हो गई, जिनमें वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर में पुष्यभूति वंश मुख्य थे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। वस्तुतः समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जिन छोटे छोटे राज्यों को पराजित कर दिया था, अब वह राज्य कमजोरी का लाभ उठाकर पुनः स्वतंत्रता की ओर घोषणा करने लगे थे। यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होना शुरू हो गए थे। गुप्त वंश के पतन के बाद उनके राज्य के सर्वाधिक सक्षम उत्तराधिकारी पुष्यभूति वंश के शासक हुए, जिसकी स्थापना प्रभाकरण वर्धन के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इस वंश में अराजकता की स्थिति फैल गई। प्रभाकरण वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कन्नौज व थानेश्वर में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद मालवा के शासक गुप्त नरेश ने गौड़ नरेश के साथ मिलकर मोखरी नरेश ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, जिससे आहत होकर राज्यश्री सती होने के लिए जंगल में चली गई। दूसरी तरफ पुष्यभूति वंश के शासक राज्यवर्धन ने जब बदला लेने का प्रयास किया तो उसे आरंभिक सफलता तो मिली, किंतु धोखे से शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या करवा दी। इन्हीं विषम परिस्थितियों में 16 वर्ष के नवयुवक हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी संभाली तथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए चतुर्थिक विकास कर अपने को अशोक व समुद्रगुप्त की श्रेणी में खड़ा कर देता है। कुछ इतिहासकार तो इसे प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी करार देते हैं। यानी ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें कुल मिलाकर मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है कि किस प्रकार से प्रभाकरण वर्धन और उसके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं, किस प्रकार से राज्यश्री का विवाह होता है और वो सती होने के लिए जंगल में चली जाती है, वही स्टोरी इस सेकंड पैराग्राफ में हमने मेंशन की है। यद्यपि हर्षवर्धन में सभी गुण मौजूद थे, फिर भी उसके दरबारी कवि बाण भट्ट तथा चीनी यात्री ह्वेन सांग ने महानता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, जो चीनी यात्री था ह्वेन सांग, वो हर्षवर्धन के काल में ही आया था। इसके पहले हमने फायान के बारे में पढ़ा था, जो किसके काल में आया था, वो आया था आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। चीनी यात्रियों में जब हम पढ़ते हैं तो दो मेन इंपॉर्टेंट हम पाते हैं, एक तो फायान और दूसरा ह्वेन सांग। जो फायान आया था वो इसके पहले जो का गुप्त वंश हम पढ़ रहे थे उसमें विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने उपाधि ली थी विक्रमादित्य, उसके काल में भारत आया था। अगला जो चीनी यात्री है ह्वेन सांग, वो आपके किसके काल में आया था, इसी हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन, सॉरी, ह्वेन सांग लिखता है कि हर्षवर्धन ने 600,000 की सेना लेकर उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सर्वप्रथम हर्ष ने अपनी विजय अभियान के अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी अभियान को पूरा किया। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए तो उसमें ये क्या लिखना है, वही इस पैराग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरे चरण में उसने प्रशासनिक संगठन की मजबूती पर बल दिया, फिर बंगाल व सिंध के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की। आगे वे उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को भी पराजित किया, फिर सकल उत्तरापथनाथ की उपाधि ली। साथ ही 641 ईस्वी में इसने मगधारीराज की उपाधि ली। इसके पश्चात 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। यानी इस पैराग्राफ में हमने क्या बताया, हर्षवर्धन ने किस प्रकार से संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में किया, कौन कौन सी उपाधियां उसने ली, ये सारा हमने इस पैराग्राफ में बताया है। देन लास्टली हमने ये भी बता दिया कि 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। यानी कि गुप्त वंश के बाद जो भारत को एकता में पिरोने का काम किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, वो 641 ईस्वी में वापस से क्या हो जाता है, धाराशाही हो जाता है। उसके बाद वही आपका जो राजपूत काल होता है वो शुरू हुआ, तो उसकी मानी जाती है। राजपूत काल के बाद फिर आप देखते हैं कि राजपूतों में भी एकता का अभाव था, इसी कारण अरबी और तुर्की आक्रमण आपके हो जाते हैं। देन उसके बाद इस प्रकार से मुगलों का भी हमारे ऊपर आक्रमण होता है और फिर हम मुगल काल पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका एक क्रम है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने के सभी प्रयास स्वप्न ही रह गए, जो मैंने अभी आपको बताया। हर्षवर्धन ने बढ़ते हुए विकेंद्रीयकरण को रोकने का प्रयास किया। यद्यपि इस समय तक विकेंद्रीयकरण को रोकना किसी भी शासक की क्षमता से बाहर हो चुका था, फिर भी अपने राज्य में नियमित निरीक्षण करके विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश बनाए रखे, हमें हर्ष चरित्र से यह सूचना प्राप्त होती है कि वह निरंतर निरीक्षण करता रहता था, जिससे इस काल में कानून व्यवस्था
की स्थिति संतोषजनक थी। देखिए, गुप्त वंश में हमने पढ़ा था कि भूमि अनुदान देने की प्रथा चालू हो गई थी। गुप्त वंश जो है आपका पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण पर आधारित था, तो यह विकेंद्रीकरण इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि छोटे छोटे राजा ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। ऐसे में जब हर्षवर्धन का राज्य स्थापित होता है तो वो इसी विकेंद्रीकरण को रोकने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि नियमित अपने राज्यों का निरीक्षण करता था। इससे जो आपका लॉ एंड ऑर्डर था, यानी कि जो कानून व्यवस्था थी, वो एक तरीके से संतोषजनक बनी हुई थी। हर्षवर्धन के पूर्वज सूर्य उपासक थे, वह स्वयं भी आरंभ में सूर्य उपासक था, लेकिन वेनसांग के प्रभाव में आकर इसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। फिर भी इसने सर्व धर्म संभाव को बनाए रखा। प्रत्येक पांचवें वर्ष कन्नौज व प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन होता था, जिसमें व्यापक पैमाने पर गरीबों को दान वितरित किए जाते थे। देखिए, सारी बातें जो है हर्षवर्धन के बारे में, अगर आपके क्वेश्चन, मैंने आपको बताई दिया, क्वेश्चन आ जाए कि हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए, तो हमें इसमें इसकी सारी जो राजनीतिक विजय थी वो भी बतानी होती है, साथ साथ इसका प्रशासन कैसा था वो भी मैंने आपको लिख दिया कि इसने विकेंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया, और इसकी धार्मिक अवस्थिति भी हमको बतानी होती है, जिसमें हमने बताया कि इसने अपने राज्य में सर्वधर्म संभाव को बनाए रखा हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन ने विजय के अतिरिक्त लोक कल्याणकारी कार्यों पर भी बल दिया था। सड़कों का निर्माण, सुरक्षा का प्रबंध, छायादार वृक्ष लगवाना जनहित की भावना से प्रेरित थे। हर्ष स्वयं भी कला व साहित्य का बड़ा प्रेमी था। उसे अनेक मंदिर, स्तूप तथा विहार बनाने का श्रेय दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुंडेश्वरी मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, कन्नौज में संगाराम विहार इत्यादि। यानी हर्षवर्धन न केवल अपने प्रशासन को अच्छे से चला रहा था, धार्मिक संभाव भी उसने, सर्वधर्म संभाव भी उसने बनाया हुआ था, साथ ही साथ वो कला का भी प्रेमी था। उसने कई मंदिर, स्तूप, विहार भी बनवाए थे, जिनका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख के बताया है। इसी प्रकार वह साहित्य का भी विशेष प्रेमी था। एक तरफ जहां उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की, वहीं दूसरी तरफ उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव अनुदान में भी दिए। उसके दरबार में हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट तथा सूर्य शतक के लेखक मयूर निवास करते थे। अपने इन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों की वजह से हर्ष को तृतीय अशोक की संज्ञा भी दी जाती है। अब देखिए, तृतीय अशोक यानी सेकंड अशोक कौन था, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर्ष जो था वो साहित्य का भी विशेष प्रेमी था। उसने खुद कुछ नाटकों की रचना की थी। प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक मुख्य है। ठीक है, साथ ही साथ उसने जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये किसके काल में बना था, जब हम गुप्त वंश पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुमार गुप्त नामक एक गुप्त वंश के राजा के बारे में पढ़ा था। उसी के समय में जो है आपके नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को इसने 100 गांव अनुदान में दिया। अब 100 गांव अनुदान में देने का मतलब होता है कि 100 गांवों से जो भी राजस्व या कर वसूला जाता था वो डायरेक्ट अब किसको जा रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय को जा रहा था। ठीक है, इसके दरबार में कई सारे कवि भी निवास करते थे, जिनके नाम हमने यहां पर बता दिए। और लास्टली हमने क्या कहा कि हर्ष को जो है इतिहास में तृतीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। तो जो द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है वो आपके इतिहास में जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था उसको दी जाती है। ठीक है, यानी हमने ये फैक्ट क्या जाना, हमने फैक्ट जाना कि अशोक के बाद अगर अशोक की संज्ञा किन्हीं दो शासकों को दी जाती है तो अशोक द्वितीय की संज्ञा दी जाती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। अब क्यों दी जाती है ये हमने डिस्कस कर लिया। गुप्त साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो जितनी भी उपलब्धियां थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, देन तृतीय अशोक की जो संज्ञा दी जाती है इतिहास में वो हर्षवर्धन को दी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन के रूप में हम करते हुए चलेंगे, जैसे कि ये यूपीपीसीएस या यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हर्ष महान था लेकिन बाण भट्ट वेनसांग ने उसे महत्तर बना दिया। यानी कहने का मतलब है कि हर्ष महान तो था लेकिन जो बाण भट्ट उसका दरबारी कवि था और जो विदेशी जो आपका यात्री था, चीनी यात्री वेनसांग ने उसे क्या कर दिया, बड़ा चढ़ा
आकर और ज्यादा महत्तर बना दिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमें अपने क्या लिखने, व्यूज लिखने हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं हम कि किस प्रकार से हमें इसमें लिखना होगा। अशोक व मुगलों के बीच हर्षवर्धन को छोड़कर ऐसा कोई भी शासक नहीं जिसके व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हमारे पास साहित्यिक सामग्रियों की बहुलता हो, लेकिन इन सामग्रियों की उपलब्धता ने एक नए प्रकार की चुनौती को जन्म दिया, वह है मिथक तथ्यों को अलग करना, जो एक कठिन कार्य माना जाता है। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, देन सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, हम पढ़ते हैं, निश्चय ही ह्वेनसांग ने हर्ष की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की होगी, क्योंकि ह्वेनसांग 8 वर्षों तक हर्ष के संरक्षण में रहा था, ठीक है। जब वह भारत से लौट रहा था तब भी उसे हर्ष का संरक्षण प्राप्त हुआ था। साथ ही ह्वेनसांग तथा हर्ष दोनों के धार्मिक विचार भी एक थे, क्योंकि दोनों महायान धर्म के पोषक थे। इसी प्रकार ह्वेनसांग से इतना प्रभावित था, इसी प्रकार हर्ष जो है ह्वेनसांग से इतना प्रभावित था कि कई निर्णयों में उसकी सलाह भी लेता था। यह सभी तथ्य ह्वेनसांग के प्रभाव को दर्शाते हैं। यानी जो सेकंड पैराग्राफ हमने लिखा उसमें थोड़ा सपोर्ट करते हुए हमने लिखा है कि किस प्रकार हर्ष और ह्वेनसांग की जो सोच थी वो आपस में एक दूसरे से मिलती थी, क्योंकि दोनों के दोनों महायान जो कि बौद्ध धर्म का एक पाठ था उसके क्या थे, उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। दूसरी चीज, ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के संरक्षण में रहा था 8 वर्षों तक, जब वो गया तब भी हर्ष के संरक्षण में था, और जब कई सारे जो निर्णय लेता था हर्षवर्धन उसमें किसका वो राय लेता था, आपके ह्वेनसांग की राय लेता था, ठीक है। तो ये सेकंड पैराग्राफ हमने बताया कि भाई हर्षवर्धन जो है निश्चित रूप से क्या था, ह्वेनसांग के प्रभाव में था। अब देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखना है हमें, लेकिन यदि हम उपर्युक्त तथ्यों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ह्वेनसांग एक धार्मिक व्यक्तित्व था, अतः नैतिकता एवं धर्म के प्रति समर्पण उसकी पहली प्राथमिकता थी। दूसरे, ह्वेनसांग ने यह विवरण तब लिखा जब वह हर्ष के संरक्षण से निकलकर चीन पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति में हर्ष को कुछ करने का उसके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं था। देखिए कितनी बड़ी बात हमने इसमें बोली है कि ठीक है भाई हर्षवर्धन का प्रभाव, सॉरी ह्वेनसांग का प्रभाव हर्षवर्धन पर दिखाई देता है, लेकिन उसका जो है खंडन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, कि जब वह गया तो हर्ष उसने जो लिखा है उसकी जो CUK उसका जो ग्रंथ है ह्वेनसांग का, उसको CUK नाम दिया जाता है, उसने जो अपना ग्रंथ लिखा, वर्णन लिखा, वो उसने चीन पहुंचकर लिखा। तो चीन पहुंचकर लिखने में उसको क्या मतलब आ रहा था कि वो हर्ष को खुश करेगा, यानी वो भारत में तो मौजूद था नहीं कि भाई वो अगर कुछ उल्टा लिख देगा तो हर्षवर्धन उसे फांसी दे देगा या उसे दंड दे देगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। वो जब चीन चला गया देन उसके बाद जाकर उसने अपने ग्रंथ की रचना की। तो पहली बात तो हमने यही बताई कि हर्ष को खुश करने का ऐसा कोई दबाव हमें उसके ऊपर दिखाई नहीं देता। इसी तरह चीन के शासक अपने को शिव के विश्व के महान शासकों में मानते थे। ऐसी स्थिति में यदि हर्ष की प्रशंसा की जाती तो यह असहनीय होता, और अंत में ह्वेनसांग ने हर्ष के विजय अभियान के क्रम में कई जगह निष्पक्षता का परिचय दिया है, विशेषकर जब उसने हर्ष के प्रबल प्रतिद्वंदी पुलकेशन द्वितीय की प्रशंसा करता है। अतः ह्वेनसांग द्वारा प्रशस्तिपूर्ण लेखन की बात उचित प्रतीत नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर हम जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि भाई जो आपका ह्वेनसांग है क्या उसने प्रशस्तिपूर्ण लेखन किया है। प्रशस्तिपूर्ण का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये उसी का खंडन हम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ह्वेनसांग जब चीन चला जाता है तब जाकर वो अपने ग्रंथ की रचना करता है। दूसरा कि वो चीन के साम्राज्य में रहा था, यानी चीन का जो है वो निवासी था। उस समय जो चीन के शासक हुआ करते थे वो विश्व के महान शासकों में अपने आप को मानते थे। ऐसे में किसी और शासक की अपने सामने प्रशंसा देखना उनको क्या हो सकता था, असहनीय हो सकता था, यानी उनको इससे ईर्ष्या हो सकती थी। तो हर्षवर्धन जो ह्वेनसांग था वो क्यों ऐसी शत्रुता मोल लेता, लेकिन उसने ऐसी शत्रुता मोल ली इसका मतलब है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई थी, ठीक है। दूसरा हमने एक एग्जाम्पल और दिया कि वो ना केवल हर्ष की प्रशंसा करता है बल्कि हर्ष का एक प्रतिद्वंदी शत्रु भी था पुलकेशन द्वितीय, उसकी भी वो प्रशंसा करता है। यानी इससे पता लगता है कि उसने निष्पक्षतापूर्ण जो है वर्णन किया, यानी उसका उसने किसी की साइड नहीं ली, उसे जो लिखना था उसने निष्पक्ष होके न्यूट्रल होके लिखा है, ठीक है।
अब यदि हम बाण भट्ट के हर्ष चरित्र को देखें तो सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि बाण भट्ट एक दरबारी कवि था। उसके काल में दरबारी कवियों की एक परंपरा रही थी। वह अपने स्वामी को अपनी कृतियों का नायक बनाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। वस्तुतः हर्ष चरित्र भी दरबारी कवि द्वारा लिखित एक रचना है तथा हर्ष ही इस ग्रंथ का नायक भी है। यही वजह थी कि बाण भट्ट ने इस नायक को महामंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो अगला पैराग्राफ आया उसमें हमने बताया कि भाई उस वक्त जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो क्या करते थे कि उनके जो शासक थे उनका महामंडन करते थे, यानी उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताते थे। अगर वो नहीं बताएंगे तो राजा क्या करता था, उनसे नाराज हो जाता था, उन्हें दंड दे देता था। तो ऐसे में जो दरबारी कवि थे उनका केवल कार्य यही था, ये एक परंपरा के रूप में स्थापित हो गया था कि वो उसको नायक बना देते थे, जो वहां का शासक या राजा होता था उसको नायक बना देते थे और उसको विश्व में महानतम के रूप में वो क्या करते थे, स्थापित करते थे अपने जो जितनी भी कविताएं थी, जितने भी ग्रंथ थे, साहित्य थे उसमें। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का सपोर्ट किया। लेकिन यदि हम हर्ष चरित्र का मूल्यांकन करें तो बाण भट्ट ने दरबारी लेखन के साथ ही लेखन विद्या के दायित्व को भी निभाया है। उदाहरण के लिए उसने कई यथार्थ के विवरण दिए हैं जो हर्ष के लिए कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन बाण भट्ट ने उस पर शब्दों तथा अलंकारों का पर्दा डाल दिया। जैसे कन्नौज की गद्दी के लिए वह लिखता है कि हर्ष चाहता था कि वह गद्दी उसे प्राप्त हो, लेकिन वो गद्दी उसे प्राप्त नहीं हुई थी। यानी इस प्रकार से वो उसकी बुराई भी कर रहा है। तो ये क्या है, एक निष्पक्षतापूर्ण वर्णन किया गया है। तो ये हमने किसके बारे में बताया, बाण भट्ट के बारे में बताया। लेकिन उसने ये वर्णन तो किया, लेकिन उसे अपनी भाषा शैली शब्द अलंकारों से उसे क्या कर दिया, पूरा तरीके से ढक दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ह्वेन सांग व बाण भट्ट के द्वारा न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया बल्कि समकालीन परिस्थितियों का वास्तविक चित्रण भी किया गया। इसके द्वारा दिए गए विवरणों में कुछ बातों की पुष्टि हमें अन्य पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त हो जाती है। अतः इन दरबारियों द्वारा केवल प्रशस्तिपूर्ण लेखन की बात कहना उचित प्रतीत नहीं होता। वैसे भी हर्ष एक कल्याणकारी शासक के रूप में इतिहास में स्थापित है। तो देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें हमने बता दिया कि भाई उसको न्यूट्रल यानी कि एक पॉजिटिव उसको बैलेंस करते हुए हमने लिख दिया कि इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। ठीक है, और वैसे भी जो आपका हर्ष था वो इतिहास में क्या है, कल्याणकारी शासक के रूप में स्थापित है, इसीलिए तो उसे तृतीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था कि हर्ष महान था लेकिन बाण भट्ट ह्वेन सांग ने उसे महत्तर बना दिया। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं उसमें आ जाए या यूपीपीसीएस दे रहे हैं उसमें आ जाए तो इसमें लिखना कैसे होता है ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। देखिए जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उससे आप सहमत हो। ठीक है, आपको कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है हमें उसी के बारे में या उसी के पक्ष लेते हुए लिखना है। यहां देखिए हमने सबसे पहले उसका पक्ष भी लिया लेकिन फिर उसका खंडन भी किया। तो इस प्रकार से बैलेंस करते हुए आपको पूरा आंसर लिखना होता है। तो ये हमारा इस जो क्वेश्चन था इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हर्षवर्धन है उसके कार्यों को देखकर, उसके प्रशासन को देखकर, उसके साम्राज्य विस्तार को देखकर उसे अशोक व समुद्रगुप्त दोनों की संज्ञा दी जाती है, यानी उससे कंपेयर किया जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हर्ष में अशोक व समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे, समीक्षा कीजिए। तो इसमें देखिए हमें लिखना क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं, देन उसके बाद आप इसको अपनी भाषा शैली में लिखकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अशोक से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले अशोक से समानता की बात करेंगे, देन उससे असमानता क्या थी ये तो हमें बताना ही बताना है, क्योंकि कोई भी आंसर जब हम लिखते हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमें लिखना होता है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पूरा कह रहा है कि पॉजिटिव वे में, लेकिन हमें उसका खंडन भी तो करना है, तो वो खंडन भी हम यहां पर बताएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका अशोक से समानता। देखिए दोनों ही परवर्ती काल में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, यद्यपि आरंभ में क्या थे, शिव थे। ठीक है, यानी दोनों के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि जो अशोक था कलिंग युद्ध के बाद वो भी क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार जो हर्ष था वो भी पहले शिव था लेकिन बाद में ह्वेन सांग के प्रभाव में आकर वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो पहली सिमिलरिटी तो यही हो गई कि दोनों का धर्म जो है एक ही
नहीं था। दूसरा है, दोनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था तथा नैतिक मूल्यों से प्रभावित होकर लोक कल्याणकारी किए थे। अब दोनों ने बौद्ध धर्म को तो स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म क्या सिखाता था, लोक कल्याणकारी कार्य सिखाता था, तो दोनों ने क्या किया, उसका प्रसार किया, यानी बहुत सारे लोक कल्याणकारी दोनों ने करवाए। ठीक है, दोनों के समय में सर्वधर्म संभाव देखा गया, इसी कारण हर्ष को तृतीय अशोक भी कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद भी इन्होंने केवल बौद्ध धर्म को अपना धार्मिक जो राजनीतिक सॉरी जो आपका जो साम्राज्य का पूरा धर्म होता है वो घोषित नहीं किया, बल्कि जो अन्य धर्म थे उनको भी क्या दिया, बराबर से इंपॉर्टेंस दिया। तो ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई। अब उनमें असमानता हम देख लेते हैं कि हर्ष में अशोक की तरह धार्मिक प्रचंडता नहीं थी तथा अशोक की तरह हर्ष परिवार सहित धर्म के प्रति समर्पित नहीं था। देखिए, हर्ष ने बौद्ध धर्म जरूर स्वीकार कर लिया था, लेकिन अशोक उससे कहीं आगे बढ़ जाता है। अशोक क्या करता है, खुद तो वो धर्म स्वीकार करता ही है, वो क्या करता है, उसका प्रचार प्रसार कराने में अपने पुत्र व पुत्री को भी क्या कर लेता है, उसमें शामिल कर लेता है, यानी परिवार सहित वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, जबकि हर्षवर्धन में ऐसा कोई सिमिलर पॉइंट नहीं देखा जाता। ठीक है, दूसरी तरफ हर्ष ने कभी भी अशोक की तरह युद्ध की नीति को नहीं छोड़ा। हर्ष ने विदेश नीति में ना तो धर्म दूत और ना ही बौद्ध धर्म के विकास हेतु धर्म महामात्र नियुक्त किए। दूसरी जो अनसिमिलरिटी है वो हमने क्या बताई कि अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अपनी जो युद्ध की नीति है, कलिंग युद्ध से हार कर वो क्या करता है, उससे परेशान होकर अपनी युद्ध की नीति को छोड़ देता है और वो क्या करता है, फिर धर्म में पूरी तरीके से डूब जाता है। धर्म और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए वो धर्म दूत धर्म महामात्र जैसे ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है, जबकि हर्षवर्धन ऐसा नहीं करता, वो अपनी युद्ध की नीति को छोड़ता नहीं है बल्कि उसे जारी रखता है। तो ये अनसिमिलरिटी हो गई अशोक से। तो अशोक के बारे में अगर आ जाए तो ये दोनों चीजें हमें लिखनी है, बाद में इसे अपनी भाषा शैली में आप पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। अशोक की तरह ही हर्ष के लिए बौद्ध धर्म राजनैतिक सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने का जरिया नहीं था, बल्कि उसका व्यक्तिगत विश्वास था। देखिए, अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध से परेशान होकर अपने युद्ध की नीति को त्याग दिया था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर उसने जो भौतिक विजय की जो उसकी नीति थी उसको हटाकर सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया था। सांस्कृतिक विजय की नीति का मतलब होता है कि उसने डायरेक्टली युद्ध नहीं किया था बल्कि धर्म के सहारे उसने दूसरे राजाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, यानी उसने क्या कर लिया था, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन बना लिया था धर्म को, जबकि जो हर्षवर्धन था उसने ऐसा नहीं किया, उसने केवल व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को माना था, उसने राजनैतिक सामाजिक उद्देश्य का प्राप्ति का जरिया धर्म को कभी नहीं बनाया। तो ये हो गया अशोक के बारे में। अब समुद्रगुप्त से समानता हम पढ़ लेते हैं कि हर्ष भी समुद्रगुप्त की तरह एक महान विजेता था। जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने विजयों को कई चरण में पूरा किया, उसी प्रकार हर्ष ने भी कई चरण में विजय की। उत्तर से दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की भावना में भी दोनों में समानता दिखती है। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त जिस प्रकार से इतिहास में भारत के नेपोलियन के रूप में स्थापित है, क्योंकि उसने कई प्रकार से विजय जो है वो पूरी की थी, उसी प्रकार हर्षवर्धन भी अपने विजयों को पूरा करता है, इस प्रकार दोनों में समानता दिखाई देती है। लेकिन समुद्रगुप्त से तुलना करने पर हर्ष के साम्राज्य की सीमा यह ठहरती है कि इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमित क्षेत्र तक ही था। किसका, समुद्रगुप्त से जब हम तुलना करते हैं हर्ष के साम्राज्य की, ठीक है, जबकि अशोक व समुद्रगुप्त ने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। यद्यपि समुद्रगुप्त के जीवन काल में कोई बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि हर्ष को गोड नरेश शशांक तथा चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का सामना करना पड़ा था, इसलिए हर्ष समुद्रगुप्त की तरह नर्मदा नदी के आगे नहीं बढ़ सका। अब हमने इसमें क्या कर दिया, समुद्रगुप्त से उसकी तुलना तो कर दी कि भाई उसने भी अपने विजय अभियान को इतना फैलाया था, लेकिन उसके बाद हमने उसका खंडन किया कि भाई जो समुद्रगुप्त और अशोक थे उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। दूसरा, समुद्रगुप्त जैसे शासक का कोई बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि हर्ष का था। कौन था, गोड नरेश शशांक था और एक चालुक्य। अब ये चालुक्य कौन थे आगे हम पढ़ेंगे, केवल इतना सा जान लीजिए कि एक चालुक्य वंश था जिसका एक राजा था पुलकेशन द्वितीय। इन दोनों का सामना हर्ष को करना पड़ा था, इसलिए जो हर्ष का साम्राज्य था वो एक सीमित क्षेत्र तक था। ठीक है,
अब देख लेते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान है, परंतु हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अशोक और समुद्रगुप्त हर्ष तीनों अलग-अलग परिस्थितियों की उपज है, इसलिए समानता के बिंदु के साथ असमानता के बिंदु भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी लास्ट पैराग्राफ में टोटली हमने ये बताया कि भाई ठीक है, हम इनकी तुलना तो कर रहे हैं, समानता भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो तीनों हैं ये अलग-अलग समय में थे और अलग-अलग समय में इनके सामने अलग-अलग चुनौतियां विद्यमान थी, और इन चुनौतियों का जो इन्होंने सामना किया था वो अपने अकॉर्डिंग किया था, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, यानी अगर हम इनमें समानता देखते हैं तो असमानता भी हमें इनमें देखनी पड़ेगी। तो देखिए ये आपका हर्षवर्धन हो जाता है। कुल मिला के हर्ष के बारे में जो आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो हर्ष के चरित्र के बारे में, उसकी विजय के बारे में ही पढ़ना है। तो ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके मेंस में, वही मैंने आपको करा दिए हैं। तो इसमें हमें इतना सा जानना है। देखिए हर्ष जब राज्य श्री को वापस लेके आता है तो वो कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है। जब हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में जाकर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो आपका कन्नौज था वो उत्तर भारत की क्या हो चुका था, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। जब हर्ष की मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में, तब उसी कन्नौज को लेकर आपके जो है संघर्ष शुरू हो जाते हैं। इस संघर्ष में तीन शासक थे, ठीक है, उन तीन शासकों का जो है युद्ध होता है इस कन्नौज को लेकर, जिसमें आपके गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपके पाल वंश थे। तो आगे जो हमको पढ़ना है वो त्रिदलीय संघर्ष पढ़ना है कन्नौज को लेकर। ये वही कन्नौज है जो हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। तो आगे जो हमारा चैप्टर होगा वो त्रिदलीय संघर्ष होगा। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसमें हमने हर्ष के बारे में जाना, वर्धन वंश के बारे में जाना, ठीक है, वाकाटक वंश के बारे में केवल हमें उनके वैवाहिक संबंध के बारे में पढ़ना है। वो अगर लास्ट में थोड़ा समय बचा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आप इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं। छोटा सा आपका है, ये एक दो स्लाइड का होगा जो आप बुक से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, आगे केवल हमारा एक टॉपिक बचा है जिसमें हम गुप्त वंशीय जो क्षेत्रीय राज्य हैं उसको पढ़ेंगे, पदम वंश, चालुक्य वंश, ठीक है, कदम वंश, ये सारे जो वंश है, पल्लव वंश, इनको हमें पढ़ना है। तो यकीन मानिए 3 से 4 वीडियो या एक दो वीडियो में हमारा एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम मिडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न इंडिया हमारा पैरेलली चल ही रहा है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।